मर्डर मुबारक वास्तव में एक शानदार डार्क कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है। इस मूवी के हर सीन के आखिर में ट्विस्ट देखने को मिलेंगे, जहां कहानी नई नहीं है लेकिन बड़े रहस्य और रोमांच के साथ दिलचस्प तरीके से दिखाई गई है। कहानी दिल्ली में रॉयल क्लब पार्टी के बारे में है, जहां कई मशहूर हस्तियां और वीआईपी लोग क्लब के सदस्य हैं, जहां एक सदस्य की हत्या हो जाती है। फिर एक एसीपी इस मामले की जांच करने के लिए आता है और वहां के लोगों पर शक करता है कि किलर कौन है। हर किसी का प्रदर्शन वास्तव में शानदार और महान था, विशेष रूप से एसीपी के रूप में पंकज त्रिपाठी। क्या जबरदस्त एक्टिंग थी, मजा ही आ गया। आकाश के रोल में विजय वर्मा वास्तव में शानदार थे। राजा जी के रोल में संजय कपूर अपनी कॉमिक टाइमिंग में वास्तव में बहुत अच्छे थे। और स्टाफ को 20 रुपए देना, बच्चों के लिए मिठाई खरीदना, इस बार बाम्बी के रूप में सारा अली खान ने भी अपना शानदार काम किया। करिश्मा कपूर को शहनाज के रूप में देखना अच्छा था। यह एक अच्छी डार्क कॉमेडी फिल्म है। आखिरी सीन थोड़ा निराशाजनक था, लेकिन फिल्म देखते समय अच्छा लगा। कुल मिलाकर मैडॉक फिल्मों ने मुझे कभी निराश नहीं किया और मर्डर मुबारक वाकई बेहतरीन फिल्म थी। बहुत लंबे समय के बाद मैंने एक ऐसी फिल्म देखी। कलाकार कमाल के हैं और कहानी मजेदार है। इस फिल्म की सबसे अच्छी बात यह है कि यह आपको कभी बोर नहीं करता। मजेदार मर्डर मिस्ट्री अवश्य देखें। ये देख के लग ही नहीं रहा है कि 3 दिन पहले यहाँ एक कत्ल हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।